प्रशासन ने सभी चीनी मिलों के साथ बैठक करके पूरी रणनीति बना ली है और पूरी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और हमारी जो यदु शुगर मिल है और हमारी जो शेखुपुर वाली शुगर मिल है दोनों बिल्कुल तैयार हैं और कहीं कोई कठिनाई नहीं। केंद्रों का निर्धारण हो चुका है, किसानों से भी वार्ता हो गई, सब किसान भी तैयार है। यूनियन हम जारी करने जा रहे हैं शीघ्र ही और साथ ही साथ हमने जो सत्ता है उसे भी फाइनल कर दिया है। सत्ता का इस बार जो है हमने बहुत सख्ती बरती क्योंकि पिछले साल जो घटनाएं आई थी उसको देखते हुए फर्जी सत्ता ना बनने पाए वैसे लोगों को चिन्हित किया जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास मृतक हो गए थे या जिनके पास डबल सत्ता था उन सबको निकाला गया। इस प्रकार 2912 ऐसे लोगों को छांट के इस सट्टे से बाहर किया गया। सट्टा का प्रदर्शन हम अपनी वेबसाइट में करने जा रहे हैं और सट्टा का प्रदर्शन कल प्रत्येक गाँव में भी होगा। लेखपाल के गन्ना विभाग से अलग हमने राजस्व विभाग को भी दायित्व दिया है कि वो सत्ता की सूची को गांव में प्रदर्शित करे जिससे गांव का आदमी देख सके किसके नाम कितनी जमीन दिखाई गई और कितना गन्ना दिखाया गया। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो हमारे लेखपाल को आपत्ति नहीं करते, इससे पारदर्शिता रहे। जो भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें होती थी उनको कतई न करने दिया जाएगा ना अब की बार ऐसा होगा। किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, जो वास्तव में गन्ना उत्पादक है उनको बहुत बड़ा लाभ होगा।